हेलो फ्रेंड्स, तो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि एनवीएस में जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे एनवीएस के, और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे मेनू पे। मेनू पे क्लिक करते ही रिक्रूटमेंट आपको कॉलम दिख जाएगा, और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट वैकेंसीज पर आपको क्लिक कर देना है। ऊपर से थर्ड नंबर सीरियल नंबर पर आपको जाना होगा, और यहाँ पर इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री है तब भी आप कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपके पास में बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी सारे वैकेंसीज है प्रिंसिपल के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, असिस्टेंट पोस्ट के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे असिस्टेंट के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज ओनली 2 है, बट यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी के लिए यहाँ पे कोई भी वैकेंसीज नहीं दी गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है। एक बार आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है, अगर आपको कुछ डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना, आपके सारे कमेंट का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए पीजीटी ग्रुप बी के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, इन सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट होने जा रही है, ठीक है। काफी सारे वैकेंसीज है, 218 नंबर यहाँ पे पोस्ट है, यानी 218 यहाँ पे वैकेंसीज है बायोलॉजी केमिस्ट्री कॉमर्स इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी हिंदी हिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स आईटी के लिए, ठीक है। नीचे आपको आ जाना है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है फॉर प्रिंसिपल। नीचे आ जाना है आपको, और यहाँ पे फॉर असिस्टेंट कमिश्नर नीचे आना है। असिस्टेंट के लिए अगर बात करेंगे तो डिग्री आपके पास में होना चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ आपके पास में नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन का। ये अगर आपके पास में नहीं भी होगा तब भी चलेगा, ये डिजायरेबल है, ठीक है, इसको आपको छोड़ देना है। अगर आपके पास में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी अगर आपके पास में एमएससीआईटी का भी अगर सर्टिफिकेट होगा और आपके पास में डिग्री होगा फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट की अगर बात करेंगे तो 18 से 30 साल के भीतर आपकी एज होनी चाहिए यूआर कैटेगरी के लिए। यहाँ पे यूआर के लिए ही नंबर ऑफ पोस्ट है 2, ठीक है। अगर आप ओबीसी हो, अगर आपकी एज 30 साल के अगर ऊपर हो चुकी है, अगर आप एससी एसटी हो, अगर आपकी एज 30 साल के ऊपर हो चुकी है, तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए ही नंबर ऑफ पोस्ट है। तो यहाँ पे कोई भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपको ध्यान देना है आपकी एज होनी चाहिए 30 साल के भीतर, यूआर की 2 वैकेंसीज है, और डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और नॉलेज आपको होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन का। एमएससीआईटी भी अगर आपके पास में होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाएंगे हम लोग, और कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे डिग्री होना चाहिए आपको किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा एंट्री विद 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपके पास में सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, डिजायरेबल दिया गया है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो यहाँ पे बायोलॉजी केमिस्ट्री कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी पोस्ट के लिए जो है टीचर का रिक्रूटमेंट चल रहा है। आपको एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना है, कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। आने वाले समय में हम लोग इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपको अपडेट दे पाऊँ कि ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है असिस्टेंट से लेके पीजीटी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है वो भी मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। वेबसाइट पे आपको आ जाना है, और यहाँ पे जो है आपको होम में ही स्क्रॉल होते हुए दिख जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, ये लोड हो रहा है पेज, एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव ये हेल्प टेक्स है। इसके बाद में जो है आपको स्क्रॉल होते हुए दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पे आप पहुँच जाओगे, इस पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, ये लोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर प्रिंसिपल पीजीटी इन जेएनवीएस एंड असिस्टेंट कमिश्नर असिस्टेंट एंड कंप्यूटर ऑपरेशन पोस्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तब जाके वो पेज ओपन हो जाएगा, चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, स्टार्ट पे कर देना है। स्टार्ट पे करने के बाद में कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, इसको क्लोज कर देना है। क्लोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड यहाँ पे आपको दे देना है, अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस तरीके से दे देना है। पोस्ट कोड ये अपने आप ले लेगा। कैंडिडेट्स नेम यानी आपका नाम यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका 10th सर्टिफिकेट में जिस तरीके से नाम लिखा गया है उसी तरीके से यहाँ पे आपको नाम लिखना है। आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, कंफर्म कर देना है। ईमेल आईडी डाल देना है, कंफर्म कर देना है। ये जो कैप्चा दिया गया है 7 कैरेक्टर का, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है इसको, यानी लिखना है, टाइप करना है और सबमिट कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आपको नोट डाउन करना होगा, और उसके बाद में एक्चुअल अप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना है।
और ऐसी वीडियोस पाने के लिए आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है और आपके व्यूज़ हम तक पहुंचाना है कमेंट बॉक्स के जरिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।